नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका भारत एट नाइन में। भारत एट नाइन में आज हम बात करेंगे दुनिया के उस वेरिएंट के बारे में जिसने कहर बरपाया हुआ है। उस वेरिएंट की वजह से दुनिया भर के देश कहीं ना कहीं बेहद चिंतित और परेशान नजर आ रहे हैं। अब तो सऊदी अरब जैसे देश में भी कोरोना का पहला मामला, या ये कहें कि कोरोना वेरिएंट का नया जो पहला मामला है वो सामने आया है। तो अब तक हमने देखा कि देश में कोरोना का अटैक था, उसके बाद ओमिक्रॉन वायरस वही था, वेरिएंट नया था। हालांकि देश में दो पेशेंट मिले हैं। डॉक्टरों का, सर्जनों का ये कहना है कि कोरोना को लेकर के तैयारियां हैं, ओमिक्रॉन वैक्सीन को लेकर के भी तैयारियां रहेंगी। हालांकि सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस नहीं है। कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें ओमिक्रॉन की कोई जानकारी नहीं है। वैक्सीनेशन करने आए हैं यहाँ पर, इनसे पूछेंगे कहाँ से आए हैं और इनके पास क्या ओमिक्रॉन की जानकारी है, या केवल कोरोना वायरस को लेकर भी वैक्सीनेशन करवाने आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक प्रताप सिंह है और मैं कानपुर से आया हूँ। कानपुर से लखनऊ है जी। तो क्या कोरोना के बारे में जानते हैं? और कोरोना का जो नया वेरियंट आया है और मुझे लगता है सबसे ज्यादा घातक यही है। कैसे कैसे? क्योंकि जो भी कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके हैं उनको भी ये जो कोरोना आया है ये भी इफेक्ट डाल रहा है ज़्यादा से, ऐसा न्यूज में देखने को मिलता है। क्योंकि एमिक्रॉन कोरोना थोड़ा डिफरेंट है, वैक्सीन से काम चलेगा? वैक्सीन से काम नहीं चलेगा, इसके लिए सरकार को आगे से ऊपर से और भी कुछ गाइडलाइंस वगैरह या जो भी जागरूकता देनी चाहिए वो अपना सरकार करेगी। तो आप वैक्सीन लगवाने आए थे कोरोना? हाँ, ये पहला डोज है सर। कोविड को लेकर दून मेडिकल अस्पताल की क्या व्यवस्था है, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा ये अस्पताल है और इसी में ही कोविड की जो दूसरी लहर था उसका बेहतर इलाज किया गया था। सरकार ने केवल इस अस्पताल के ही जरिए पूरे प्रदेश में बेहतर इलाज कोविड का बताया था, लेकिन अब तीसरी लहर आने को तैयार है और ऐसे में क्या व्यवस्था इस अस्पताल में है, क्या सुविधाएं लोगों को मिल पाएंगी, इसका जायजा लेने हम पहुंचे। ये जो है सरकार की तरफ से और प्रशासन, यानी कि जो दून मेडिकल अस्पताल है उसके प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोविड वार्ड बनाया जा रहा है और लगभग ऐसे ही 20-20 जो बेड हैं वो तमाम सभी वार्डों में बनाए जाएँ, तैयारी पूरी कर ली गई है और ये तैयारी पहले की भी है। आप देख सकते हैं जो मॉनिटर हैं वो ढके हुए हैं क्योंकि कोरोना के समय इन्हें इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी अस्पताल प्रबंधक को, लेकिन उसको सुरक्षित तरीके से रखा गया। और क्योंकि तीसरी जो लहर है उसकी संभावना जताई जा रही है कि तीसरी लहर है वो उत्तराखंड में ही और इंडिया मतलब कि भारत में भी पहुंच सकती है, तो उसको लेकर तैयारी उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी कर ली गई है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि क्या तीसरी लहर, जिस तरीके से दूसरी लहर में बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ा था, पहाड़ के लोगों को अपने बेहतर इलाज के लिए देहरादून आना पड़ा था, वही स्थिति क्या तीसरी लहर में भी होती है, या फिर सरकार पहाड़ों में भी बेहतर सुख सुविधा और स्वास्थ्य व्यवस्था इस बार दिला पाती है लोगों को या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिस के साथ मैं सुभाष गौड़, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, देहरादून। जब भारत में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही थी तब तमाम जो आयोजन थे जिसमें T20 वर्ल्ड कप या अगर हम करें IPL वो भी शामिल था, वो भी सऊदी अरब जैसे देश में कराया गया था ताकि वहां पर जो खिलाड़ी हैं वो सुरक्षित रहें। लेकिन ऐसे देश में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने कहर बरपा दिया है, पहला मामला सामने आया है, तो इसकी वजह से दुनिया को कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि दहशत में डाल दिया है। भारत के कई राज्यों में अभी से 90% आबादी को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज भी नहीं मिल पाया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत काफी ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि जब डेल्टा वेरिएंट भारत में आया था तब उसने कहर बरपाया था, लाखों लोगों की जान अब तक कोरोना की वजह से जा चुकी है। वैक्सीनेशन के आंकड़ों से पता चलता है कि जिन राज्यों में BJP की सरकार है वहां वैक्सीनेशन की स्पीड तेज है, इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। वहीं जिन राज्यों में कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहां वैक्सीनेशन की स्पीड धीमी है, ऐसा हम नहीं कह रहे, विपक्षी दल कह रहे हैं। इसमें भी एक खास बात देखने में आ रही है कि गोवा और हिमाचल प्रदेश जैसे चुनावी राज्यों में 100% आबादी को पहला डोज लग चुका है। गोवा में फरवरी मार्च में ही तो हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है। इन दोनों ही राज्यों में BJP सत्ता में है।
बीजेपी वाले 7 राज्यों में 90% वैक्सीनेशन। बीजेपी की शासित 7 राज्य ऐसे हैं जहां 90% एलिजिबल पॉपुलेशन को वैक्सीन का फर्स्ट डोज लग चुका है। 2 राज्यों में यह आंकड़ा 100% पार पहुंच गया है। दूसरी ओर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में सत्तासीन कांग्रेस वाले राज्यों में किसी में भी 90% का आंकड़ा अभी तक नहीं पहुंच पाया है। पंजाब में फर्स्ट डोज 72.5% आबादी को ही लगा है, दोनों डोज तो महज 32% आबादी को ही लग पाए हैं। पश्चिम बंगाल का भी यही हाल है, पश्चिम बंगाल में अब तक 86% लोगों को ही पहला डोज मिल पाया है। झारखंड में तो यह आंकड़ा 66% पर ही है। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां बूस्टर डोज की डिमांड कर रही हैं, वे अपने राज्यों में अभी तक 100% पॉपुलेशन को वैक्सीन का पहला डोज भी क्यों नहीं लगवा सकी। तमिलनाडु में डीएमके और झारखंड में जेएमएम के साथ कांग्रेस की गठबंधन है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। 10 महीने में 31% को ही वैक्सीनेशन चीन में 75% को लगा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ का कहना है कि 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था, लेकिन पिछले 10.5 महीनों में हमारी 31% पॉपुलेशन ही फुली वैक्सीनेटेड हो पाई है, जबकि चीन में 75% आबादी को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। सवाल तो ये खड़ा होता है कि हम जिस चीन से इतना पीछे क्यों है। पीएम कहते हैं कि सबको साथ सबका विकास, तो फिर इसमें बीजेपी कांग्रेस का सवाल ही क्यों आ रहा है। जिन राज्यों में वैक्सीनेशन कम हुआ है वहां वैक्सीन की सप्लाई कम हुई है। वैक्सीन की सप्लाई करना तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, फिर वो राज्यों पर ठीकरा क्यों फोड़ रही है। जब पीएम मोदी के बर्थडे पर एक दिन में 1 करोड़ डोज लगाए जा सकते हैं, तो बाकी दिनों में 60 से 65 लाख की क्यों लगाए जा रहे हैं, ये भी सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। जब हमारी कैपेसिटी 1 करोड़ की है तो हमें 1 करोड़ डोज ही लगाना चाहिए, क्योंकि एक आदमी भी संक्रमित रहा तो पूरे देश को दोबारा संक्रमित कर सकता है, इसलिए इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए दुनिया सतर्क है। कई देशों ने यात्राओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को ही अब तक का सबसे खतरनाक माना जा रहा था, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन को डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक भयावह बताया जा रहा है। इस वेरिएंट का सबसे पहला मामला अफ्रीका में पाया गया, जिसके बाद से सभी देश सतर्क हो चुके हैं। प्रदेश में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और अब हम पहुंचे हैं राजधानी देहरादून के दिल की धड़कन घंटाघर के पास। आप देख सकते हैं ये पीछे मेरे देहरादून का घंटाघर है और ये कहा जा सकता है कि ये देहरादून की दिल की धड़कन भी है, लेकिन इसके पीछे ही जो है कि पलटन बाजार है। और आप देख सकते हैं जो सोशल डिस्टेंस की बात सरकार कह रही थी, जो सोशल डिस्टेंस अपनाने के लिए सरकार और प्रशासन कह रहा था, वो कहीं नज़र नहीं आता। इसके साथ ही अगर देखें तो कई लोगों ने मास्क ज़रूर पहने, लेकिन कुछ लोग बिना मास्क के भी यहाँ घूमते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि यही वो वजह है, यही वो कारण है जिस वजह से प्रदेश में फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से लगातार सरकार कह भी रही है कि सोशल डिस्टेंस अपनाना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन के लिए इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। प्रशासन को कहा है जो विदाउट मास्क पाए जाते हैं उनका चालान भी किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी लोग बिना मास्क के घूमते हुए आपको पलटन बाज़ार में नज़र आ जाएंगे, देहरादून की सड़कों में नज़र आ जाएंगे। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से प्रदेश में मामले बढ़ने शुरू हुए हैं, जिसको लेकर सरकार अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है, तमाम जो जिला अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने जो ज़िले की हैं उसकी जिम्मेदारी उठाएं, अस्पतालों की व्यवस्था सुधारें, साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंस भी अपनाएं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी राजधानी देहरादून का यही हाल है कि लोग सोशल डिस्टेंस अपनाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और अभी भी कई लोग मास्क लगाते हुए आपको सड़कों पर नज़र नहीं आएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि देहरादून का जो बाज़ार है, पलटन बाज़ार, और यहाँ रोज़ाना सैकड़ों लोग आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, घूमने आते हैं, और कहीं ना कहीं दुकानदारों की भी जिम्मेदारी बनती है, व्यापार मंडल की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन लोगों से सोशल डिस्टेंस अपनाने के लिए कहें, मास्क पहनाएं और मास्क के बाद ही अपनी दुकानों में इनको प्रवेश दें। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कहीं ऐसे लोग हैं जो मास्क पहनते हुए नज़र नहीं आएंगे, सोशल डिस्टेंस अपनाते हुए नज़र नहीं आएंगे, और जो व्यापार मंडल के लोग हैं, जो दुकानदार हैं, कहीं ना कहीं वो भी उनको सोशल डिस्टेंस और मास्क अपनाने के लिए कहते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो इसमें कहा जा सकता है कि सरकार को और प्रशासन को एक कड़ी जिम्मेदारी के साथ कड़ी भूमिका निभानी होगी, तब जाके प्रदेश में फिर से एक बार सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाते हुए लोग नज़र आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिस के साथ मैं सुभाष गौड़, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया,
देहरादून। जी हाँ, मैं प्रणव सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज ऑल इंडिया। एग्जैक्टली मेरे जो पीछे है जो एशिया की सबसे बड़ी सिविल अस्पताल में आया हूँ, और मैं यहाँ पे आने का एक मकसद है कि जो जिस प्रकार से दुनिया में जो नया वेरिएंट आया है ओमाइक्रॉन, वो दुनिया में दहशत फैलाने के लिए फिर से वापस स्टंट कर रहा है। लेकिन फिलहाल जो भारत और गुजरात में वो वेरिएंट का किसी भी प्रकार का केस सामने आया नहीं है। लेकिन यहाँ की जो सिविल अस्पताल है, एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल है, उनमें किस प्रकार की सुविधा व्यवस्था, दर्जियों के लिए जो नया वेरिएंट आया है उनमें किस प्रकार की सुविधा व्यवस्था यहाँ पे दर्जियों को दी जाएगी, उनके लिए किस प्रकार से सरकार तैयार है, और इस प्रकार के जो नया वेरिएंट है उनके सामने सुरक्षा व्यवस्था का जो कवच है किस प्रकार से यहाँ के डॉक्टर्स लोगों ने रेडी करके रखा है, उनके बारे में यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है उनसे हम लोग बात करने जा रहे हैं और थोड़ी देर में उनसे बातचीत करेंगे। और यहाँ की सरकार है और काफी यहाँ के जो प्रतिबंध है सरकार की ओर से, जो भी फ्लाइट अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट से यहाँ पे जो उतरेंगे उनको चेक किया जाएगा, उनको RT-PCR टेस्ट भी किया जाएगा, उनमें कोई भी पॉजिटिव आता है उनको 7 डेज के लिए उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा, और सरकार की ओर से उनके घर पे होम क्वारंटाइन की जो टीम है वो लगातार चेकिंग करती रहेगी और बाद में ही उनको छुटकारा प्राप्त होगा। लेकिन जो नया ओमाइक्रॉन जो नया वेरिएंट है उनके बारे में जो बात करेंगे, तो यहाँ के जो गुजरात के जितने भी अस्पताल है वो किस प्रकार से उनके सामने सुरक्षा व्यवस्था कवच लेके आई है और किस प्रकार के सामना करेगी उनके बारे में हम लोग जानेंगे। मैं प्रायोशी राजपूत, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, गुजरात। वही WHO ने भी उपलब्ध डेटा के आधार पर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। खबरों की माने तो उस वेरियंट में बहुत ज्यादा म्यूटेशन है, खासतौर से इसके स्पाइक प्रोटीन में, और इसलिए WHO सभी से दोनों वैक्सीन की डोज लेने की अपील लगातार कर रहा है। WHO क्या कहता है ये जानना भी जरूरी है। बहुत अधिक जोखिम भरा है नया वेरिएंट, कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों को ज्यादा खतरनाक करता है, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले ज्यादातर एहतियात बरते, ज्यादा से ज्यादा उन्हें एहतियात बरतने की जरूरत है, वैक्सीनेशन की दोनों डोज लेना बेहद जरूरी है, 60 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं वो ट्रैवलिंग ना करें, सरकार ये लगातार हिदायत दे रही है। तो यात्रा पर प्रतिबंध लगाने से भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि इस वेरिएंट को वो नहीं रोक पाएगा। वहीं अमेरिका जैसे देश भी इससे डरे हुए हैं। ओमिक्रॉन के बीच केंद्र सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। वो गाइडलाइंस क्या है उनको भी जानते हैं, नजर डालते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। डराना मकसद नहीं है लेकिन सावधान रखना मकसद है। ओमिक्रॉन पर जारी नई गाइडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। दोगुना किराया हो सकता है। दिल्ली से लंदन के लिए फ्लाइट टिकट का रेट लगभग 60,000 से ज्यादा होकर 1.5 लाख रुपए हो गया है। वहीं दिल्ली से दुबई का हवाई किराया जो है वो 33,000 रुपए से ज्यादा हो गया है। अब तो मामले बढ़ रहे हैं दुनिया भर में। दिल्ली से अमेरिका की राउंड ट्रिप कास्ट लगभग 1.5 लाख रुपए की हो सकती है। दिल्ली से टोरंटो का हवाई किराया लगभग 80,000 रुपए से बढ़कर 2.37 लाख रुपए पर पहुंच गया है। RT-PCR बेहद अनिवार्य है। ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्टिंग बेहद अनिवार्य है। वेरिएंट प्रभावित देशों से आने वाले लोगों की जांच पूरी होने पर ही उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति मिल सकती है। बाहरी देशों से आए लोगों को एयरपोर्ट पर 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ सकता है, और अगर उनमें कोरोना लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें होम आइसोलेशन में भी भेजा जा सकता है। वैसे तो कोरोना का नया वेरिएंट भारत में अब तक नहीं आया है, लेकिन भारत पिछली बार की तरह इस बार कोई गलती नहीं कर सकता। एहतियात के तौर पर भारत सरकार पूरी तरह से हिदायत बरत रही है। देश के तमाम राज्यों के हालात कैसे हैं ये भी जानने जरूरी है। नमस्कार, कोरोना के बाद ओमिक्रॉन वायरस वही वर्जन नया, हालांकि चल क्या रहा है देश में। उत्तर प्रदेश में लखनऊ सिविल अस्पताल मुख्यमंत्री आवास के सामने हमारे साथ कोरोना के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, इनसे पूछेंगे कि सर ये वायरस वही है मगर वायरेंट नया है, इसके पीछे क्या क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अभी भी कोरोना का अटैक खत्म हुआ है और लोग पटरी गाड़ी पर आई है, अब फिर से वही, तो क्या कहना सर ये कोरोना जो था इसको लेकर के सर क्या क्या तैयारियां, और ये ओमिक्रॉन क्या वायरस है, ये सर वायरेंट नया है या वही चीज़ है, इसके पीछे क्या कारण है। ये जो ओमिक्रॉन कोरोना कोविड वेरिएशन वायरस का एक नया स्ट्रेन है, कोई नया कोरोना नहीं है, ये म्यूटेशन के बाद हमने चेंज किया, हर जो रिप्लिकेट के बाद कुछ ना कुछ हमने जेनेटिक शिफ्ट होता है, उसके बाद ये नया स्ट्रेन डेवलप हुआ। इसमें 32
करीब जींस पे म्यूटेशन हुआ है। इसके बारे में सीवियरिटी, जैसा कि अभी साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की जो आई है, उन लोगों ने बोला कि इसकी सीवियरिटी पहले से कम ही है, लेकिन स्प्रेड ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, तो स्प्रेड इसका ज़्यादा हो रहा है, जैसा कि उन लोगों ने बोला है। सीवियरिटी के बारे में उन लोगों ने बोला कि सिम्टम इसके अभी माइल्ड ही हैं वहाँ पे देखे गए हैं, लेकिन इसके बारे में अभी बहुत कुछ स्टडी होना बाकी है। इसलिए बहुत कुछ क्या करेगा, कितना इसका लीथल होगा, कितना हमारे अर्थव्यवस्था पर कितना इस बारे में कहना प्री मैच्योर होगा। रही बात हमारे यहाँ तैयारियों की, तो हमारे यहाँ जो भी इस तरह के विदेशी नागरिक आ रहे हैं या फॉरेन ट्रेवल से जो लोग आ रहे हैं, उनको किसी तरह का सिम्टम है तो हम लोग उनको फीवर क्लिनिक में अटेंड कर रहे हैं, उनको हिस्ट्री लेने के बाद उनकी जाँच कराई जा रही प्रियॉरिटी पे, और जो लोग आगे कुछ पॉजिटिव आएंगे तो उसको उस हिसाब से ट्रेस करके ठीक होंगे। अभी तक सर कोई कोरोना वायरस का केस चलते थे क्या, ओमिक्रॉन में कोई केस तक आए हैं, कितने केस नहीं है? हमारे यहाँ फिर नहीं है अभी हमारे पास कोई केस नहीं। तो क्या कोरोना केस अभी आ रहे हैं? अभी इधर तो हमारे पास केसेस नहीं है। अच्छा सर, इसके बचाव क्या है, मतलब सरकार ने तैयारी कर रहे हैं, आप ही क्या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसका बचने का तरीका है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में, जैसे मास्क लगाएं, सैनिटाइज हैंड सैनिटाइज करें, डिस्टेंसिंग रखें, गैदरिंग से दूर रहें, इंग्लिश के और वैक्सीनेशन करें, फुल डोज वैक्सीनेशन। कोरोना को लेकर सर वैक्सीन लग रही थी, कोरोना की तैयारी भी सेम वही है, तो क्या एमी कोरोना की तैयारी भी वही रहेंगी और क्या इसकी कोई वैक्सीन आएगी तो उससे काम चलेगा? सेम रहेगा, सेम रहेगा। इसके लिए ये जो वैक्सीन लग रही है उस पर कितनी इफेक्टिव है कि नहीं है, इस बारे में अभी कहना मैच्योर है, इस पर अभी कहा जाना संभव नहीं। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और जिसका खामियाजा ये है कि प्रदेश सरकार ने सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है दून मेडिकल अस्पताल से डॉक्टर NS खत्री जी। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो नया वेरियंट है इसका क्या नाम है और किसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है? देखिए, अभी जो थर्ड वेव में दस्तक दे दी है पूरी दुनिया भर में, इसमें जो नया वेरिएंट आया है उसका नाम ओमिक्रॉन है। साउथ अफ्रीका में ये स्ट्रेन पाया गया है और इसके लिए जो है, अभी आपका दूसरा क्वेश्चन आता है किस एज ग्रुप को या किसको वो इफ़ेक्ट करेगी, अब उसके लिए तो अभी जो है जो साउथ अफ्रीका में है अभी सभी एज ग्रुप को इफ़ेक्ट कर रही है, और जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उन पे भी उनका हल्का फुल्का असर है, लेकिन वो जो है औरों से तो है वो थोड़ा सेफ़ है। जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, जिन्होंने नहीं लगाया है, नो डाउट वो उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करने की संभावना बनी रहेगी। और स्टेट गवर्नमेंट ने अलर्ट पर डाल दिया है, सबसे बिगेस्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, हम लोगों ने इससे पहले भी दोनों वेव्स को बहुत ही जो है संयम से उसका सामना किया है, थर्ड वेव की भी पूरी तैयारी है। अभी स्टेट गवर्नमेंट का एक एडवाइजरी भी जारी हुआ है कि सारे हेल्थ केयर वर्कर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी ये टेस्ट RT-PCR कर लिया जाए, और कोई भी अगर पॉजिटिव पेशेंट आ रहा है तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग की भी जो है प्रक्रिया शुरू हो गई है। दून मेडिकल कॉलेज में उनके जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है कि वही वेरियंट है कि नहीं है। यहाँ पर सर एक बड़ी चीज़ ये है कि जब दूसरी लहर आई थी उत्तराखंड में तो देखा गया था कि आपका जो अस्पताल था राजधानी देहरादून का मेडिकल कॉलेज का, इस पर सबसे ज़्यादा बर्डन था। इसकी वजह ये थी कि पहाड़ों में लोगों को बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा था तो उन्हें देहरादून रेफ़र कर दिया जा रहा था, ऋषिकेश एम्स जिसको नहीं ले रहा था उसको भी देहरादून भेज दिया जा रहा था। तो अब क्योंकि तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है तो किस तरीके की तैयारी आप लोगों की है और क्या आप पूरी तरीके से तैयार नज़र आ रहे हैं इस बार? हाँ नहीं, बिल्कुल नो डाउट आपका सवाल सही है, क्योंकि एक तो सेकंड वेव इतनी स्ट्रांग एंड बहुत ही कम समय के लिए आई और काफ़ी ज़्यादा उसमें लोग इफेक्टेड हुए हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कैजुअल्टी भी हुई है, लोग रश किए हैं हॉस्पिटल की तरफ, स्पेशली लोगों के अंदर एक फियर था ऑक्सीजन का, जिस वजह से भी बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में लोड आ गया था, हम लोगों ने बहुत ही बहादुरी से उसका सामना किया। अब आपका सवाल ये है कि थर्ड वेव के लिए, तो मैं आपको बता दूं भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने लगभग अभी सारे बड़े हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट एंड स्टोरेज प्लांट की व्यवस्था कर दी है। जिस हॉस्पिटल में आप बैठे हुए हैं यहीं पर तीन तीन जनरेटर प्लांट और आपका एक
जो है 10 मैट्रिक टन का लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की लग गया है, जिसमें से वो वर्किंग है, फंक्शनल है, तो ऑक्सीजन की कोई जो है दिक्कत अब फ्यूचर में नहीं आने वाली है। और बेडों की संख्या भी काफ़ी बढ़ा दी गई है, रायपुर स्टेडियम भी दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को मिला हुआ है, तो दोनों को अगर हम मिला लें तो कम से कम 700 बेड की व्यवस्था है, जिसमें 100 ICU बेड है और लगभग 100 PICU बेड्स की भी छोटे बच्चों के लिए भी व्यवस्था है। इस हिसाब से इस बार काफ़ी अच्छी तैयारी है। पहले तो ईश्वर ना करे कि बहुत बड़ा वेव आए, ज़्यादा लोग इफेक्टेड हो, बट हॉस्पिटल सक्षम है, उसको बहुत ही आराम से उसको हैंडल कर लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर NS खत्री जी, जिन्होंने बताया कि कोविड को देखते हुए जो तीसरी लहर अभी तक पहुंची नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है, और आने वाले भविष्य में यदि इस तरीके के खतरे आते हैं तो उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से दून मेडिकल अस्पताल तैयार नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिस्ट के साथ मैं सुभाष कौर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, देहरादून। जी हाँ, मैं प्रणोशी राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और अभी फिलहाल जो सिविल सुपरिटेंडेंट मेरे साथ है, जो राकेश सर मेरे साथ है, सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस प्रकार से पूरी दुनिया को जो हिला के रखा है कोरोना के बाद, जो नया वेरिएंट आया है, उनके बारे में जो सिविल है, आप सुपरिटेंडेंट हो, किस प्रकार की सुविधा व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है? क्योंकि देश में और गुजरात में अभी तक एक भी केस सामने नहीं आया है फिलहाल, फिर भी गुजरात सरकार की ओर से सुपरिटेंडेंट के हिसाब से आप सिविल के सुपरिटेंडेंट हो, क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है उनके बारे में बताएंगे। मैं आपको पहली बात बताऊंगा कि तीसरी वेव की आशंका काफी महीनों से है, सिविल हॉस्पिटल ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ये जो वेरिएंट की आप बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन, ये अभी सिर्फ 6 दिन पहले ही डिटेक्ट हुआ है। वो कैसा होगा, कैसा रहेगा, उसका डेटा और एनालिसिस अभी तक हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन WHO ने उसको वायरस ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया है। जब वायरस ऑफ कंसर्न डिक्लेयर करते हैं तो सबको सावधानी रखनी पड़ेगी। ऐसा बोला जा सकता है कि वो जल्दी से स्प्रेड हो सकता है, वो री इन्फेक्ट कर सकता है इंसान को, ऐसे उसके बारे में बताया जाता है। जब भी वायरस ऑफ कंसर्न बात आती है तो हम सबको चौकन्ना हो जाना चाहिए कि ये केसेस बढ़ने नहीं चाहिए। अभी हम पिछले काफी महीनों से देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस अपने देश में कंट्रोल हो रहे हैं, काफी कंट्रोल है, और पिछले हफ्ते से देखें तो पूरे देश में भी जो संख्या आ रही है वो 10,000 से कम है, और हमारे गुजरात में भी काफी कम केसेस देखने को मिले हैं। फिलहाल एक भी पेशेंट ये ओमिक्रॉन से तो संक्रमित अपने देश में नहीं है, गुजरात की तो बात और है, पूरे देश में एक भी पेशेंट पॉजिटिव नहीं है। जो तैयारी की आप बात कर रहे हैं तो हम पिछले 4 महीने से तैयारी करके बैठे हैं, क्योंकि थर्ड वेव आएगी ऐसा आशंका तो कब से बनी हुई है। जिस हिसाब से देखें तो पहले 2500 बेड थे मेडिसिटी में, उसको 3000 तक बढ़ा सकते हैं। ICU बेड की वो 350 बेड के ICU हो सकता है। PSA प्लांट्स तैयार है, रेडी है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रेडी है, क्लास 1 से लेकर क्लास 4 की ट्रेनिंग हो चुकी है, जितनी दवाइयाँ की मात्रा की जरूरत है वो सब अवेलेबल है। और ना सिर्फ सिविल, पूरे गुजरात में सारी हॉस्पिटल थर्ड वेव की आशंका के हिसाब से गुजरात सरकार ने पूर्व तैयारी ऑलरेडी करके रखी है। सर, जिस प्रकार से जो नया वेरिएंट है वो उनके बारे में बताएंगे, जो वैक्सीन 2-2 डोज ले है, ये वेरिएंट के सामने ये वैक्सीन काम करेगी या नहीं करेगी? जहां तक नॉलेज है मेरा, मैं वैसे तो सुपरिटेंडेंट हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और बेसिकली पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, लेकिन जितना कुछ भी नॉलेज मेरे गेदर किया है इसके बारे में, तो हमारी वैक्सीन डेफिनेटली इस पे कंट्रोल करेगी, कवर करेगी। पहली बात आप सबको यही कहूंगा कि हमने सबने काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, जैसे थर्ड वेव आएगी, बच्चों में आएगी, ये होगा वो होगा, नवरात्रि गई, दिवाली के पहले वाली शॉपिंग गई, दिवाली वाला टाइम गया जिसमें लोग घूमने गए, अच्छे से घूमे, पटाखे भी फोड़े, उसके बाद देव दिवाली तक हमने वेट किया कि शायद केसेस बढ़ेंगे। आप देख सकते हो तो कि केसेस माइनर बढ़े थे गुजरात में, अहमदाबाद में कुछ बढ़े थे, 9, 10, 11, 16, 15, कहने का मतलब कि बहुत ही कम बढ़े, और उनमें से भी एडमिशन देखा जाए तो बहुत ही कम। मेरी सिविल हॉस्पिटल 1200 बेड, जिसके अंदर कई बार मतलब सेकंड पीक में बोले तो हॉस्पिटल फुल रहा करती थी, आज इस परिस्थिति में केवल एक पॉजिटिव दर्दी दाखिल है, पहले 3 महीने में तो एक भी दर्दी नहीं था। तो इस हिसाब से देखें तो हमारी परिस्थिति काफी कंट्रोल है। जिस हिसाब ने हमारी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया है पिछले 3 से 4 महीने में, अभी आप देखो आंकड़ा 8 करोड़ से पार हो चुका है, सारे लोग वैक्सीनेट हो सकता है, हो सकता है ये जो परिस्थिति में हम अभी पहुंचे हैं वो केवल वैक्सीन की वजह से है। सर, जो वेदर चेंज हो रहा है, काफी ठंड के मौसम में बारिश हो रही है और बारिश के हिसाब से ठंड बढ़ रही है, तो उनके बारे में आप बताएंगे कि क्या ये वेदर के अंदर कोरोना के केसेस बढ़ने का चांसेस है या नहीं है? सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि
ठंडे वेदर में ज्यादा होता है, लेकिन हमने कोरोना को पूरी तरह से पढ़ लिया है। पिछले 2 साल से हम यही काम कर रहे हैं, और हम पहले ऐसा मानते थे कि अमेरिका या स्पेन या ब्रिटेन में इसलिए कि वहाँ वेदर ठंडा है और हमारे यहाँ नहीं आएगा, और हमने देखा वो कैसे आया है। तो वो मेरे हिसाब से उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, केवल किसी की जो इफेक्ट है वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड वैक्सीनेशन। अगर ये दो चीज आप अच्छे से करोगे तो आज ओमिक्रॉन है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, वायरस है, म्यूटेट होता रहेगा, वेरिएंट बढ़ते जाएंगे। अभी हमको ये समझ के चलना है, हमको वायरस के साथ जीना सीखना पड़ेगा। जी डेफिनेटली, ये थे सिविल के सुपरिंटेंडेंट राकेश शर्मा हमारे साथ, और काफी सराहनीय बात बताई उन्होंने, और कोरोना के सामने किस प्रकार से जूझना चाहिए इसके बारे में पूरा उन्होंने डिटेल्स से बात की हमारे साथ। मैं प्रणव सिराजपुर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, गुजरात। तो अलग अलग राज्यों में हालात क्या है, किस तरह से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको और ज्यादा पुरजोर तरीके से बढ़ाया जा रहा है, इसको लेकर आपने रिपोर्ट देखी है। लेकिन हम लगातार आपसे यही अपील कर रहे हैं कि अभी तक मामले नहीं मिले हैं, लेकिन सऊदी अरब जैसे देश में भी पहला मामला सामने आ चुका है इस नए वेरियंट का। ऐसे में हमें और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये वही दिसंबर है जिसमें हर बार दूसरी या पहली लहर का आगाज हुआ था। तीसरी लहर ना आए, ओमिक्रॉन वेरिएंट ना आए, इसकी वजह हम हो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं होना है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार आपसे यही अपील करता है।